अबे नाम सुना इसका सोनी सोनी साउंड बार ये छोटे मोटे कल के पैदा हुए ऑडियो ब्रांड्स उनमें ऑडियो क्वालिटी मिलेगी ये सोनी है सोनी अगर बेस्ट लेनी है बेस्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए सोनी की साउंड बार ले लो कानी खत्म चल हट मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको सोनी एस फोर साउंड बार का एक ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये मेरी गारंटी है आपको तो आपको सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि Sony S400 साउंड बार को मुझे किसी ब्रांड ने नहीं दिया मैंने इसे खुद खरीदा है और इसे प्रॉपर बर्न इन करने के बाद मैं अब आपको इसका ट्रू व्यू दिखा रहा हूं और बर्न इन करने के बाद हमने इस साउंड बार से अलग-अलग रूम में टेस्टिंग करी सॉन्ग्स रिकॉर्ड करें और उसे अपनी ड्राइव पे अपलोड किया उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप खुद समझ सकें कि ये साउंड बार कैसी ऑडियो क्वालिटी के साथ आती है ताकि आप इसे लेने या ना लेने का डिसीजन खुद ले पाए बिना किसी प्रेशर के और दबाव के जैसे हम बिना किसी ब्रांड के प्रेशर और दबाव के अपने वीडियोज़ बनाते हैं स्लीक और मिनिमलिस्टिक डिजाइन की इस सोनी साउंड बार के अंदर आपको टॉप पे सैंडस्टोन फिनिश का ब्लैक कलर देखने को मिलेगा और सामने मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी जिसमें अंदर दो ड्राइवर्स हैं साउंड बार के टॉप पे आपको टच कैपेसिटिव पांच बटन देखने को मिलेंगे एंड देर इज क्वाइट गुड मेरी एक्सपेक्टेशन से ये सब वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है एंड इट गिव्स यू द सेम सोनी साउंड बार फीलिंग ये एक वायरलेस सब ये बहुत सीमलेसली साउंड बार के साथ कनेक्ट होता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको इस साउंड बार के साथ एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड इट इज अ वेलकम चेंज इन दिस साउंड बार रिमोट कंट्रोल स्लीक और स्टाइलिश है और आप इसे यूज करते समय बहुत एंजॉय करेंगे बिकॉज आपको सारे नेसेसरी कंट्रोल्स इसमें देखने को मिलेंगे विच इज अ गुड थिंग कनेक्टिविटी ऑप्शन ज्यादा है नहीं लेकिन आपको एच डी एम और ऑप्टिकल पोर्ट पीछे की तरफ देखने को मिलेगा और एक यूएसबी पोर्ट भी साउंड बार में है बट दैट इज ओनली फॉर सर्विस हाँ आपको ब्लूटूथ 5.0 की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी और अगर आपके पास एक सोनी ब्राविया टी है जैसे ये रखा है तो आप इस साउंड बार को ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं बट आई हाईली रिकमेंड कि आपके पास अगर एक सोनी ब्राविया टी है तो आप इस साउंड बार को एच डी एम आई ए आर सी से कनेक्ट करें दैट विल अब सारी इधर उधर की बातें खत्म अब आपको सीधा ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ सुनिए Surge ऑफ पावर ये टर्म शायद सोनी की इस साउंड बार के लिए बनाई गई है बिकॉज द काइंड ऑफ पावर दैट यू गेट इन द बेस इन दिस साउंड बार साउंड बार इज अमेजिंग आपको इतनी जबरदस्त बेस मिलेगी और वो भी सुनने को मिलेगी कि आपको मन करेगा यार ये बेस है मतलब आप कहोगे यार मजा आ गया इस बेस को सुन के बट इज दैट ऑल यू वॉन्ट एक्चुअली इस साउंड बार के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेस मिलती है आपको इसके अंदर अपर बेस इतनी ज्यादा मिलती है कि आपको वो बहुत ज्यादा सुनाई देती है एंड यू इफ यू आर अ बेस लवर देन यू विल एंजॉय दिस साउंड बार इन एंड आउट और यही चीज इसका सबसे बड़ा प्रो है और मजे की बात यह है कि आप इसी बेस को घटा या बढ़ा भी सकते हैं यानी आपको जो ये रिमोट कंट्रोल मिलता है इसके अंदर बेस अप या डाउन का बटन देखने को मिलता है उससे आप इस बेस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं एंड अगर आपने इसे फुल कर लिया तो पक्का की लड़ाई पड़ोसी से बट आपने एक चीज और नोट करी आपको वो क्लैरिटी नहीं सुनने को मिली जो क्लैरिटी आपको किसी और ब्रांड की साउंड बर्ड में सुनने को मिलती है लेट्स से JBL, लेट्स से Samsung, लेट्स से Zebronics, आपको इन सभी साउंड बर्ड के अंदर एक जबरदस्त क्लैरिटी भी मिलती है बेस के साथ उसका कारण क्या है कारण बहुत सिंपल है सोनी हैज अ पर्टिकुलर ऑडियो सिग्नेचर और वो ऑडियो सिग्नेचर क्या है

लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको वो सुनाई देगी बट इसका एक uh, कौन भी है इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है नेगेटिव इफेक्ट इज कि आपको क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा द सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट इज कि आपको जो वोकल्स हैं जो डायलॉग्स हैं जो मिड्स हैं उसके अंदर भी बेस सुनाई देगी यानी दे विल बी वेरी हैवी वोकल्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल एंड फीमेल वोकल्स बिकॉज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज डन लाइक दैट कैसे पता मुझे सुनिए एक और ऑडियो क्लिप उसके बाद आपको पता चलेगा uh, the अब जो आपने सुना उसे सुनाने के लिए मैंने इस साउंड बार के साथ इस रिमोट कंट्रोल में आने वाले वॉइस फीचर को ऑन किया था वॉइस फीचर में क्या होता है सब वो की पावर थोड़ी सी कम होती है और ड्राइवर से यानी ये दो ड्राइवर से आपको ज़्यादा मिड रिस्पॉन्स मिलता है यानी वोकल्स की अच्छी डिलीवरी होती है एंड डिस्पाइट दैट वोकल्स अकॉर्डिंग टू मी वो रियली हैवी इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग आई टेल यू व्हाट? देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस पसंद है आप अपने कंटेंट के अंदर ज़्यादा थिएटर लाइक बहुत ज्यादा हैवी बेस एक्सपीरियंस जाते हैं दिस इज दर्फेक्ट साउंड बार इस वीडियो को यहीं पे देखना बंद करिए डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक यूज करिए प्लीज और ये साउंड बार खरीद लीजिए आपकी चॉइस यहीं तक खत्म होती है बट इफ यू नीड क्लैरिटी इफ यू नीड एब्सल्यूट क्लैरिटी ऑफ एवरी नोट ऑफ एनी सॉन्ग दिस इज नॉट द साउंड बार फॉर यू बिकॉज इसके अंदर आपको वो क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती उस वॉइस मोड को ऑन करने के बावजूद मुझे बहुत ज्यादा हेवी वोकल्स मिले क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही इस तरह की है डोंट ट्रस्ट मी आप यह देखिए इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट इसके अंदर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि लोअर बेस को बहुत कम रखा गया है अपर बेस को बहुत ज्यादा स्पाइक दी गई है उस स्पाइक की वजह से वो जो आपको अपर बेस के साथ साथ वोकल्स के अंदर भी बेस मिल रही है

ये वाली ऑडियो वीडियो क्लिप आपने मेरे कई व्यूज में देखी होगी और आपको बहुत जबरदस्त इफेक्ट भी आया होगा आई एम जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ऑडियो फाइल्स के लिंक को क्लिक करके उसे डाउनलोड करेंगे और सुनेंगे तो आपको इस साउंड बार का भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा लेकिन लेट लेक मी एक्सप्लेन आपको इस साउंड बार के अंदर वो सराउंड इफेक्ट नहीं मिला आपको ऑडियो बहुत ज्यादा लाउड मिली बिकॉज अगेन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज डन लाइक दैट आपको बेस बहुत ज्यादा मिली लेकिन लेट मी टेल यू आई हैव सो मेनी अदर साउंड बार्स इस साउंड बार के अंदर कोई सराउंड इफेक्ट नहीं है सो वॉट एवर सोनी क्लेम्स की एस फोर्स प्रो इफेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ट्रू ड्राइवर्स मेरे हिसाब से इट डज नॉट वर्क इन अकॉर्डिंग टू मी दीज ड्राइवर्स डिलीवर वेरी वेरी पावरफुल ऑडियो टू यू सो इनमें बहुत ज्यादा पावर आ रही है आपको मिड्स रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है आपको हाई नोट्स का रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा पावर के साथ मिलता है बट इज दैट रिफाइंड आर यू एबल टू हेयर ऑल द नोट्स नॉट रियली सो वट एम आई ट्राइंग टू सेयर सोनी एस फोर हंड्रेड साउंड बार बेकार है बिल्कुल भी नहीं हर ब्रांड का एक ऑडियो सिग्नेचर होता है जिसे वो फॉलो करते हैं सो है फोर हंड्रेड के अंदर भी उसी ऑडियो सिग्नेचर को फॉलो करा है आपको एक अच्छा फीचर इसमें मिलता है बाकी सोनी की साउंड बार से थोड़ा सा अलग करता है वेन यू यूज दिस आपको यह सब वो की पावर डिलीवरी में अप्रॉक्सिमेटली सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट कट डाउन मिलेगा विच इज अलकम चेंज फॉर मी एटलीस्ट क्योंकि अगर मैंने इसे रात को मूवी देखते समय यूज किया और नाइट मोड को ऑन किया तो एटलीस्ट मुझे बूम बूम बेस नहीं सुनाई देगी और मुझे डायलॉग्स थोड़े से बेटर सुनाई देंगे विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी बट कैन वी नाउ जंप टू प्रोज एंड कॉन्स जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि ये साउंड बार आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेट्स डू दैट प्रोज एंड कॉन्स बताऊं उससे पहले आपको इस साउंड बार का प्राइस बताता हूं Sony S400 साउंड बार आपको एप्रोक्सीमेटली 22000 रुपईस के आसपास मिलती है मैंने इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से अपनी परचेस को पूरा करिएगा उससे इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होती है और उसी से ही हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ऐसी साउंड बार्स को खरीदते हैं उसे हफ्तों तक टेस्ट करने के बाद आपको ऐसा ट्रू व्यू दिखा पाते हैं अब आपको सबसे पहले सोनी एस फोर हंड्रेड साउंड बार के कॉन्स बताता हूं साउंड बार बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ नहीं आती और इसके अंदर आपको बहुत शानदार डिस्प्ले नहीं मिलता डिस्पाइट सोनी क्लेमिंग कि आपको ओलेड डिस्प्ले मिला वो छोटा सा ओलेड डिस्प्ले है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है द ओनली थिंग इज दैट यू नो जब आपने साउंड बार को लगा लिया ले टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद आपको आधा घंटा हो गया तो साउंड बार में डिस्प्ले पूरी तरह से ऑफ होगा और आपको पता ही नहीं होगा कि ये साउंड बार एक्चुअली में कनेक्टेड है कि नहीं लेट्स इफ यू आर नॉट वॉचिंग एनी थिंग ऑन द टी वी एट दैट टाइम तो आपको ये पता ही नहीं होगा ओनली यू कैन नो दैट ओनली आफ्टर यू स्टार्ट प्लेइंग द टी वी सो देर इज नो कॉन्स्टेंट डिस्प्ले ऑन द साउंड बार दैट्स वन सेकेंड जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है आपको एच डी एम आई ए आर सी और ऑप्टिकल पोर्ट देखने को मिलेगा आई नो नो बडी प्लेज सॉन्ग्स ऑन यू एस बी नाउ एट इज बट दे ऑप्शन एटलीस्ट एक अच्छा सा एच डी एम आई इनपोट भी देते दे दे, तो थोड़ा मजा आ जाता हमें थोड़ा और अच्छा लगता बट दैट इज नॉट देर इन दिस पर्टिकुलर साउंड बार पर यह सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मैं आपको रियल कॉन बताता हूं द रियल कॉन इज द दिस साउंड बार लैक्स इन क्लैरिटी बिग टाइम आप अगर एक क्लैरिटी वाली साउंड बार ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको हर नोट हर पता चले उस सॉन्ग का या उस ऑडियो का दिस इज नॉट द राइट साउंड बार फॉर यू आप इस साउंड बार को अगर अवॉइड करेंगे स्किप करेंगे कोई भी कोई भी भी और ब्रांड की साउंड बार यू नो जो आपको पसंद आए वो आप लेंगे शायद आपको इससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज इस साउंड बार के अंदर आपको बहुत ज्यादा अपर बेस मिलती है वही खत्म करती है अच्छे मिड्स को क्योंकि मिड्स में भी आपको बेस भरी हुई मिलती है और वही खत्म करती है क्लैरिटी को थोड़ी सी पावर दी गई है एंड में डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में जस्ट टू गिव अ लिटिल क्लैरिटी एट द टॉप एंड बट दैट इज नॉट इनफ आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको ट्रेबल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं देखिए आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है आप एक गाने को दस बार भी सुनते हैं यू नो लेट्स से योर फेवरेट सॉन्ग लेकिन उस फेवरेट सॉन्ग को अगर आप बहुत अच्छी क्लैरिटी की किसी साउंड बार के अंदर सुनेंगे तो शायद आपको कुछ नोट्स ऐसे सुनाई देंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं सुने यही हमारा तरीका होता है हम एक सेट ऑफ सॉन्ग्स को हर साउंड बार से सुनते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं दूसरी साउंड बार से सो वेन वी कंपेयर एस फोर हंड्रेड विद अदर साउंड बार्स एंड अदर साउंड बार्स आर वेरी वेरी रिप्यूटेड सैमसंग साउंड बार्स एल जी साउंड बार्स आई एम टॉकिंग अबाउट जे बी एल साउंड बार्स एंड जेबरॉनिक साउंड बार्स बहुत सारे ब्रांड्स की ब्लॉप पाउ साउंड बार्स हम सबके साथ जब उसे कंपेयर करते हैं देन आई फाउंड दिस साउंड बार लैक्स बिग टाइम इन द क्लैरिटी डिपार्टमेंट हाउ एवर When I talk, start talking about pros, तो आप में से आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए क्लैरिटी हमें जो चाहिए वो इससे मिल रहा है दैट इज द बेस्ट बेस रिस्पॉन्स दैट यू कैन एवर गेट फ्रॉम एनी साउंड बार ऑफ दिस प्राइस आपको ऐसी जबरदस्त बेस जो सुनाई देती है वो शायद ही किसी और साउंड बार के अंदर मिले यू टॉक अबाउट जेबरॉनिक्स यू टॉक अबाउट जे बी एल यू टॉक अबाउट सैमसंग यू टॉक अबाउट एल जी इस प्राइस रेंज में आने वाली इन सभी साउंड बार्स के अंदर एंड इवन ब्लॉपो आपको इन सभी साउंड बार्स के अंदर ऐसी बेस नहीं सुनने को मिलेगी जैसी आपको एस फोर हंड्रेड साउंड बार दे सकती है एंड द रीजन इज प्लेन एंड सिंपल मैक्सिमम पावर जो इस साउंड बार की जा रही है दैट इज गोइंग इन दी अपर बेस वही बेस जो आपको सुनाई ज्यादा देती है और उसी की वजह से आपके पड़ोसी आपके दुश्मन बनने वाले हैं सोनी एक और चीज कहता है क्लियर डायलॉग्स सबूफर का रिस्पॉन्स अबाउटी परसेंट जब कम हो जाएगा तो आपको सिर्फ डायलॉग सुनाई देंगे मिड रिस्पांस ज्यादा अच्छा मिलेगा दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ गुड प्रो और ये एक वेलकम चेंज है इस साउंड बार के अंदर क्योंकि हमें रात को जब टीवी देखना है या फिर फॉर दैट मैटर दिन में भी देखना है यार हमें अगर डायलॉग सुनने हैं और हमें बूम बूम उसके अंदर नहीं चाहिए डायलॉग्स के अंदर वो वाला मोड यूज करिए और डायलॉग्स को ध्यान से और आराम से सुनिए अब न्यूज़ में कौन बेस सुनता है इसलिए ये मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपने टीवी के साथ कनेक्ट किया तो आपको वो सारी डी मिलेगी जो एक ए पोर्ट आपको दे सकता है लाइक डॉल ऑडियो लाइक डॉल डिजिटल बट क्या इसमें डॉल्बी डिजिटल का रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा नॉट एट ऑल बिकॉज इस साउंड बार में वो क्लैरिटी है ही नहीं सो so, आपको डॉल्बी डिजिटल की पास थ्रू मिल जाएगा लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दोस्तों मैं समझता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोनी की से बेहद मोहब्बत करते होंगे हर टीवी को बहुत शानदार अच्छा रेट करता हूं बिकॉज देर टीवीलेंट एंड आई एम सेंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये साउंड बार अच्छी है लेकिन ओनली फॉर वन सेट ऑफ पीपल क्योंकि सोनी कुछ टाइप के ऑडियो सिग्नेचर को ही फॉलो करता है और उस ऑडियो सिग्नेचर को पसंद करने वाले लोगों के लिए दिस इज अ परफेक्ट साउंड बार बट फॉर अदर्स दिस नॉट बी आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में और हाँ एक बहुत जरूरी बात आपको पता है कि एक बहुत शानदार आने वाला है कंपैरिजन आ रहा है मैं इन सब साउंड बार्स को खरीद खरीद के रिव्यू कर रहा हूं उसके ट्रूव्यू ला रहा हूँ उसके बाद इन सब को एक ही वीडियो में डाल के कंपेयर भी करूँगा आपको मज़ा आने वाला है वेट करिएगा उसकी और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रूव्यू में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच